हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ ए स्पाइरल आर की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन कोस एन थीटा, जो कि पोलर फॉर्म के अंदर है। तो आइए से शुरू करें। सॉल्यूशन गिवन, आर की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन कोस एन थीटा, ये इक्वेशन नंबर वन। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू वन ओवर एन एंड कोस इनवर्स आर की पावर एन अपॉन में ए की पावर एन, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू वन ओवर एन एंड माइनस वन अपॉन में स्केयर रूट ऑफ वन माइनस इसका स्केयर आ गया आर की पावर एन अपॉन में ए की पावर एन का स्केयर, एंड इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एन आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में ए की पावर एन। तो एन से एन कैंसिल हो गया और डी थीटा ओवर डी आर आ गया मेरे पास में माइनस आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में ए की पावर एन एंड स्केयर रूट ऑफ वन माइनस आर की पावर टू एन अपॉन में ए की पावर टू एन। ओके, यहाँ एलसीएम ले लिया मैंने ए की पावर टू एन, तो वो इधर जाएगा और ए की पावर टू एन है रूट से बाहर आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू आ गई मेरे पास में इज इक्वल टू माइनस आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में स्केयर रूट ऑफ ए की पावर टू एन माइनस आर की पावर टू एन। नाउ वन अपॉन में पी स्केयर इज इक्वल टू वन अपॉन में आर स्केयर प्लस वन अपॉन में आर एच टू फोर एंड डी आर अपॉन में डी थीटा का स्केयर, ठीक है। हम इसकी वैल्यू रखते हैं, इसका रेसिप्रोकल है, तो वन अपॉन में पी स्केयर इज इक्वल टू वन अपॉन में आर स्केयर प्लस वन अपॉन में आर एच टू फोर एंड ये हो गया भाई हमारे पास में स्केयर रूट ऑफ ए की पावर टू एन माइनस आर की पावर टू एन और अपॉन में ये माइनस का भी है, माइनस यहाँ लगा लिया हमने आर की पावर एन माइनस वन और इसका स्केयर। तो देखिएगा हमने स्केयर किया इसका, वन अपॉन में पी स्केयर इज इक्वल टू वन अपॉन में आर स्केयर प्लस वन अपॉन में आर एच टू फोर माइनस का स्केयर किया तो प्लस का हो गया, तो ये हो गया भाई ए की पावर टू एन माइनस आर की पावर टू एन अपॉन में आर की पावर टू एन माइनस टू। ओके, ये इसके मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसके साथ में, तो वन अपॉन में पी स्केयर इज इक्वल टू वन अपॉन में आर स्केयर प्लस ए की पावर टू एन माइनस आर की पावर टू एन अपॉन में आर की पावर टू एन प्लस टू। ओके, एलसीएम ले लिया हमने वन अपॉन में पी स्केयर इज इक्वल टू आर की पावर टू एन प्लस टू आर की पावर टू एन प्लस ए की पावर टू एन एंड माइनस आर की पावर टू एन, तो ये तो कैंसिल हो गया इससे और ये बना वन अपॉन में पी स्केयर इज इक्वल टू ए की पावर टू एन अपॉन में आर की पावर टू एन प्लस टू। ओके, स्केयर रूट ले लिया तो वन अपॉन में पी इज इक्वल टू ए की पावर एन अपॉन में आर की पावर एन प्लस वन और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आर की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू पी इंटू ए की पावर एन, और ये हमारी पेडल इक्वेशन है।